हेलो गाइस, आज फिर हम सोनीपत आए हैं स्वादी खजाने में। नमक पारे आपने खाए होंगे, जिसको मटर भी बोलते हैं। वो कैसे बनती है मैं आपको उसकी मेकिंग दिखाऊंगा। आज मैं आपको रोहित शर्मा जी से मिलाने आया हूं, जिनका काम ही है नमकीन का काम है, जिनका नमक पारे का काम है इनका, और ये उभरते हुए हमारे सितारे हैं। ये आपको स्वाद की गलियों में लेके जाएंगे। तो अब आप आपसे मिलाते हैं रोहित शर्मा जी। रोहित जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी सर। तो आप आज हमें जो ये नमक पारे दिखाएंगे बना के, सर इसका प्रोसीजर क्या, समझाइए जरा मुझे। इसमें 18 किलो मैदा में 400 ग्राम नमक डलता है, 3 किलो घी डलता है। 18 किलो मैदे में 400 ग्राम नमक डलता है, 3 किलो घी डलता है। 3 किलो घी डलता है सर, जब डालिए। और क्या क्या डलता है सर? और अजवाइन डलती है इसमें। अजवाइन डलती है। और पानी डलता है। अच्छा, और पानी से जी। तो दोस्तों ये शुरू हो गया, 400 ग्राम नमक हो गया है ये। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। 400 ग्राम नमक डला है, फिर इसमें अजवाइन डलेगी और कुल मिला के 18 से 19 किलो इसमें आटा डलेगा और ये इसमें मशीन में मिक्स होगा। एक मुट्ठी अजवाइन डलती है। 18 से 19 किलो मैदे में एक मुट्ठी अजवाइन और ये पानी। अब ये पानी, ये 5 डब्बे पानी आ चुके हैं। 5 डब्बे पानी यानी 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी डाला जा रहा है इसमें। ये एक पूरा बैच तैयार हो जाएगा इनका। जो आप मटर खाते हो चाय के साथ, बड़ी लजीजता है, बड़ी स्वाद लगती है, जिसके बिना चाय के बिना आपकी आंखें नहीं खुलती, हमारी किसी की नहीं खुलती। तो आप उसी स्वाद खजाने को महसूस कीजिए। देखिए पूरी मेकिंग दिखा रहा हूँ आपको, जुड़े रहिएगा, स्किप मत करना जगजीत चौधरी ब्लॉग से। जी देखिए, और ये 1 लीटर हो गया। ये क्या डाले हो? ये घी है। ये अच्छा, ये घी डाला जा रहा है। ये 2 लीटर हो गए। 2 लीटर हो गया, हाँ जी। कितना डलता है टोटल? टोटल 3 किलो। अच्छा, 3 लीटर इसमें घी डाला जा रहा है। घी डाला जा रहा है। अब ये मैदा डाला जाएगा। और ये मैदा डाला जा रहा है। मैदा, मैदा दोस्तों, ये मैदा डल चुका है। कुल मिला के खाने पीने के काम में थोड़ा पाउडर तो उड़ता ही रहता है, तभी तो हमारे मुंह तक पहुंचता है। बहुत मेहनत है दोस्तों इन कामों में, जो तो मेहनत करते हैं उनको सलाम है। और ये मशीन चालू, अब ये मिक्सिंग शुरू हो गई दोस्तों। इसको पूरी तरह से मिक्स किया जा रहा है मैदे को। पानी डाल दिया गया है, अजवाइन डाल दी गई, नमक डाल दिया गया है, घी डाल दिया गया है। अब ये मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद इसको फिर नीचे कढ़ाई में रखा जाएगा। उसके बाद फिर टेबल पे जाएगा। टेबल पे जाने के बाद फिर इसकी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद फिर कढ़ाई में तला जाएगा। तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो फिलहाल आप मिक्सिंग देख लें। अब ये लग चुकी है मल्ली। अब ये बन चुका है। ये मटर नमक पारे बनने के लिए लगभग तैयार है। ये ऐसी ऐसी लोई बनती है दोस्तों, ये ऐसी लोई बनती है बिल्कुल, ना गीला ना सूखा, इसमें मिक्स हो चुका है सब कुछ। ये प्योर मैदा है। तो फ्रेंड्स, अब ये जाएगा कढ़ाई के द्वारा टेबल पर। आइए टेबल पर चलते हैं। फ्रेंड्स, मशीन में से अब कढ़ाई में इसको डाला जा रहा है। आइए डालिए सर, डालिए। इसके इतने मोटे मोटे पेड़े बनेंगे, पेड़ियाँ बनेंगी। उन पेड़ियों को रखा जाएगा, उन पेड़ियों को फिर छोटे छोटे पीस बनेंगे, उसको पूरे टेबल पर फैलाया जाएगा, फिर उसको कटर से काटा जाएगा शेप में जिगजैग करके, और फिर वो तला जाएगा। तो ये पूरी मेकिंग प्रोसीजर पूरा ऐसे तैयार होता है दोस्तों। रोहित शर्मा जी बिल्कुल पक्के हलवाई हैं, टनाटन काम कर रहे हैं, नंबर वन काम कर रहे हैं। हालांकि इनके पास लेबर भी है, सब कुछ है, लेकिन कई बार लेबर नहीं होती, तो अपने काम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने काम का अगर नॉलेज है तो लेबर बेवकूफ़ नहीं बना सकती, और लेबर अगर चली भी जाती है तो आप अपने काम को जारी रखने के लिए, काम में ताकि कस्टमर को बीच में गैप ना आए, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि काम आना ज़रूरी है। तो अभी पेड़ी ये बन गई है, पेड़ा बन गया है। अब ये पेड़ा बन गया है पूरा, देखिए। अब इस पेड़े को टेबल पे ले जाया जाएगा और टेबल पे इसको बिल्कुल प्लेन किया जाएगा, बिल्कुल प्लेन करके बिल्कुल लेयर पतली पतली बनेगी। फिर उसके बाद उस पर रोलर चलेगा, कटर होगा, शेप अप किया जाएगा उसे, उसके बाद वो कढ़ाई में तलने के लिए जाएगा। आइए आपको लेके चलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पेड़ा है, पेड़ी है, वो मशीन में देखो, वो मशीन में आ गया है। इसको बिल्कुल प्लेन किया जा रहा है, इस मशीन से ये प्लेन हो रही है, बार बार बिल्कुल शेप में आ जाएगी। और इस मशीन में फिर इसको कटिंग किया जाएगा, यहाँ से कट होगी। फिलहाल पेड़ियों को वहाँ डाला जा रहा है प्लेन करने के लिए। ये दो बार इसको किया जाता है। अब ये प्लेन हो गई है, लो जी एक बार फिर हो गई, तीसरी बार, क्या बात है।
फिर इसको टेबल पे चाहे, तो इसके बाद फिर ये कटिंग में आएंगी, ठीक है ना। तो आपको कटिंग दिखाते हैं, आइए। अब रोहित जी इसको कटिंग करेंगे। और रोहित जी क्या बात है, अच्छा है, हाथ के द्वारा भी होता है और इससे भी होता है। तो अब इसकी कटिंग हो रही है फ्रेंड्स। रोहित जी कितनी सफाई से इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए, ये कटिंग हो गई है और ये आ गया टेबल पर। और ये हैंडमेड कटर से इसको शेप अप किया जा रहा है, देखिए जिगजैग हो गया है, जिगजैग। मटर, नमक, पारा अब ये हमारे खाने के लिए कढ़ाई में तलने के लिए अभी जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये तैयार हो गया है। पहले मशीन से कटर था, फिर हैंडमेड कटर यूज़ हुआ, और फिर इसके बाद अब ये जाएगा कढ़ाई में। तो ऐसे हमारे लिए स्वादिष्ट मटर नमक पारे तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे ही स्वाद में दिखाता रहूँगा। कितनी मेहनत है देखिए आप इस काम में, लेकिन आप ये काम घर में भी कर सकते हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घर में भी कर सकती हैं, ये हैंडमेड कटर से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, रोहित जी फिलहाल फॉर्चून का जो रिफाइंड ऑयल है वो डाल रहे हैं, जिसमें कि मटर तली जाएंगी। और इससे पहले इन्होंने सोहना घी यूज़ किया था, जो कि मिक्सिंग के लिए था, मैदे के लिए। अब फिलहाल फॉर्चून का डाला जा रहा है, इस फॉर्चून ऑयल में इसको तला जाएगा मटर को। और फिलहाल ये बिल्कुल मटर को, नमक पारे को तलने के लिए प्रोसेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप देखिए अब ये कैसे हो रहा है। और ये रोहित जी ने शुरू कर दिया है, ये रोहित जी ने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। और ये फिलहाल मटर तली जा रही है, नमक पारे तले जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हो गया है रोहित जी द्वारा। क्या बात है, क्या बात है। अब ये बिल्कुल घुल रहे हैं, और लास्ट में जब ये हल्के हल्के जब ये सिकने शुरू हो जाएंगे, तो भाई इसके बाद ये बिखरने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे सारे, जब ये जो फिलहाल मिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप तक नमक पारे पहुंचाने का जिम्मा उठाया है हमने, तो हम उसको बिल्कुल उठा के रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खजाने में लेके जाएंगे। तो मेकिंग पूरी दिखाऊंगा दोस्तों, जुड़े रहना, स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो को। तो ये रोहित जी की कारीगरी है, क्या बात है, बिल्कुल गोल्ड जैसा रंग होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे सोने के नमक पारे बन रहे हैं, क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बनते हैं नमक पारे लजीज, जो आपकी चाय तक, आपके होठों तक पहुंचते हैं, जिन्हें आप बहुत ही नज़ाकत से खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल मेकिंग चल रही है, फैक्ट्री के अंदर मेकिंग चल रही है ये नमक पारे की। हमेशा आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा, फैक्ट्रियों में लेके जाऊंगा, शुरुआत से लेकर अंत तक दिखाऊंगा आपको, आटे से लेकर बनने तक, आटा छानने से लेकर बनने तक आपको पूरी मेकिंग दिखाया करूंगा, जिससे आप इसको घर में, अब होली आ रही है दोस्तों, तो होली पे आप अपने घर में भी इसको बना सकते हो। हमारी माताएं बहनें होली पर अपने घर में भी ऐसे बना सकती हैं, आप इसे देखते रहिए कितने प्यार से इसको सहलाया जा रहा है, बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक दाना, एक एक पीस, ओए होए, देखो बिल्कुल अलग हो रहे हैं दोस्तों। ये है मेकिंग, ये है जादुई कारीगरी। जो अच्छे हलवाई होते हैं वो अपने उत्पाद के साथ बिल्कुल दिल से जुड़ते हैं, बिल्कुल मन से किसी चीज़ को बनाते हैं, और इसी से फिर इनका खाने पीने के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अगर अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा फूड देंगे मार्केट में, तो इनको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, और अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तो बिल्कुल इनके पास भी दो पैसे होंगे और हमें भी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो रोहित जी, अब आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि आपका ये जो फिलहाल जगह है कौन सी है, और आपका नंबर भी बताइए, जिससे कि नए नए ऑर्डर आपके पास आए, आप सस्ता सामान दें। तारा नगर सोनीपत में है जी, ओल्ड रोड से आप आओगे, तारा नगर शिव मंदिर वाली गली है, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9588721579। सर फिर से बोलिए, 9588721579। तो आपसे अगर हम और भी व्यूवर्स जुड़ना चाहें तो आप उनको ये सारी चीज़ नमकीन मटर आप इनको प्रोवाइड कराएंगे ना? ओके सर। सस्ते दामों पे कराएंगे ना? हाँ जी। अच्छी क्वालिटी देंगे ना? हाँ जी। तो दोस्तों, रोहित शर्मा जी से आप मिल लिए हैं। तो ये दोस्तों लगभग तैयार हो चुका है बिल्कुल बन के, और ये नमक पारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये अब आ गए हैं इस टोकरी में। बिल्कुल देसी तरीके का जुगाड़ है,
और ये देखो बुलबुले कितने प्यारे हैं, और ये बिल्कुल लगभग बन के तैयार है। ये टोकरी है, टोकरी के नीचे लोहे की का कटोरा है, टोकरा है, उसमें से ऑयल निकल जाता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बन के तैयार है दोस्त। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही स्वाद से रूबरू कराता रहूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारे हैं, देखिए आया है एक एक पीस बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जगजीत चौधरी व्लॉग को आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। बस दोस्तों इसे चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।